बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई हुकूमत, नया प्रोग्राम, तमाम गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए हुकूमत की जानिब से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जो खानदान 2000 रुपए की इमदाद का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो चाहते थे कि हुकूमत की जानिब से उन खानदानों को 2000 रुपए की ही इमदाद मिल जाए जिससे वो अपने घर के अखराजात पूरे कर सके। लेकिन अब हुकूमत जो कि तब्दील हो चुकी है और तमाम गरीब और मुस्तहिक खानदानों को असास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से दोबारा इमदाद तकसीम करने का एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला हो चुका है। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप हुकूमत की जानिब से 16,000 रुपए की इमदाद बहुत ही आसानी तरीके के साथ हासिल करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीके का आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप इमदाद हासिल करेंगे, किस तरीके से आप अपनी इमदाद के लिए अप्लाई करेंगे। मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलिए गाइस, वीडियो के अंदर सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप चैनल पर नए आज के नीचे आपसे हमने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन खानदानों को सबका हुकूमत वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत में 14,000 रुपए की इमदाद दी जा रही थी, लेकिन तब वजीर आला उस्मान बुजदार थे, लेकिन अब जो के वजीर आला परवेज इलाही बन चुके हैं, जिन्होंने आते ही गरीबों का दिल जीत लिया है। आपने काम क्या कर रहे हैं, आपने घर बैठे दो तरीकेकार के जरिए अपने असास एमरजेंसी कैश फंड में अप्लाई करना है। सबसे पहला जो तरीकेकार मुतारिफ करवाया गया है, वो जैसे आपने साबका हुकूमत में एसएमएस सेंड किए थे 8171 पर, उसी तरह आपने दोबारा फिर 8171 पर एसएमएस सेंड करके आपने क्या कर लेना है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद आपने काम क्या करना है, आपने एक वेबसाइट को सर्च कर लेना है। वेबसाइट का जो यूआरएल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर भी लिख सकते हैं, numanshahi.com वेबसाइट का नाम है, वहां से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, आपने उसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे, आगे आपने क्या करना है, आपने आपसे शनाख्ती का नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ एक्सेसरीज पूछी जाएंगी, वो सारे के सारे आपने फराम कर देनी और आपके वहां से इजिली रजिस्ट्रेशन हो गए और तौर पर आपकी जो इमदाद है वो आपके पास आ जाएगी। और आप इमदाद चेक करना चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन के जरिए इमदाद भी अपनी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुख्तसर से अपडेट थे, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी।